अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। शहर शोलापुर पांगल उर्दू हाई स्कूल में आज एसएससी का रिज़ल्ट आया है, जहां के तालिबे इल्म ने टॉप किया है। तो आइए यहां के प्रिंसिपल और यहां की जो टॉपर्स जो तालिबे इल्म हैं, इनसे एक ख़ास मुलाकात। मैं डॉक्टर बागबान हारून रशीद, हेडमास्टर एमए पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सोलापुर। आज एसएससी बोर्ड का 10वीं का रिज़ल्ट ज़ाहिर हुआ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल ने 97.23% रिज़ल्ट हासिल किया है। उसमें हमारे यहाँ हासिर काक्रमकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जो 91.24% पे है। फिर उसके उस्मान दर्जी सेकंड पोजीशन पे है, और इस तरह से हमारे 62 बच्चे डिस्टिंक्शन में हैं, 95 स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में हैं। और ये तमाम बच्चों के पेरेंट्स का और बच्चों का टीचर्स का ये कंट्रीब्यूशन है। ये तमाम चीज़ें उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, जो कामयाब हुए उन तलबा और तालिबात को, और पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही मेहनत करें और अपना, अपने देश का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम दर्जी मोहम्मद उस्मान इब्राहिम है। मैं मदरसे एम ए पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, और आज मेरा एस एस सी 10th रिज़ल्ट था और उसमें मैंने टॉप किया है, 90.40 ये मेरा स्कोर है। और ये इन सब के पीछे मेरे असातिज़ा, मेरे अम्मी अब्बा और मेरे बहुत से दोस्तों का भी हाथ रहा है, और इनकी बहुत मेहनत हुई है, और मैं ऐसे ही आगे स्कोर करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह जो आपने टॉप किया है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। इसमें आपकी मेहनत और आपके टीचर्स की मेहनत और आपके पेरेंट्स की मेहनत, ये तीनों की मेहनत रही है। हाँ, तो आपने टीचर्स की किस तरह से मेहनत रही है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? हमारे टीचर्स की बहुत अच्छी मेहनत रही है, और सबसे अच्छे मेहनत करते थे टीचर हमारे। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हमारे टीचर हमको कितनी बार क्यों ना पूछो हमें बताते थे कि इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है। जैसे कि आपका 10वीं का यहाँ लास्ट साल है, तो जैसे कि हमारे बचपन में हमने पढ़ा है कि माँ बाप के बाद जो दर्जा होता है वो उस्ताद का होता है, ये आप कायम रखेंगे कि 10वीं के बाद भूल जाएंगे? नहीं नहीं, उस्ताद बहुत अच्छी चीज़ होता है, उस्ताद को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अमीन साहब जियाउद्दीन ग्रुकर है। मैं एमए पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ टॉप किया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे असातिज़ा और मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। आपने तो टॉप किया है, अब तो बहुत खुशी से आप बोल रहे हैं कि मैंने टॉप किया है। और इसके पीछे सबसे पहले आपके पेरेंट्स, जो मम्मी पापा जो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे, उसके बाद यहाँ के टीचर्स का है, तो टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, पीरियड ऑफ जाने पर भी आकर कोई ना कोई क्लास खाली नहीं रखता है, हेल्प करते हैं आकर। और कितने दफ़ा भी पूछो कोई आंसर या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में, वो बार बार समझाते हैं हम लोगों को और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सफ़ी सईद मुनीर अहमद है जी। मैं यहाँ पर टॉप आके बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 10वीं का रिज़ल्ट था, तो आपका नाम बताइए और आपका रिज़ल्ट क्या है, थोड़ा सा बताइए जी। मेरा नाम सानिया मोहम्मद हनीफ अत्तार है, मैं एमए पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा रिज़ल्ट आज 87% आया है, इसमें मेरा असातिज़ा और मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा मेहनत रही है। और ये एमए पांगल स्कूल, हालांकि बॉयज़ भी इस स्कूल में होने के बावजूद यहाँ पर गर्ल्स को बहुत सेफ महसूस होता है। यहाँ पर हर एक फैसिलिटी गर्ल्स के लिए अलग अलग है, और बॉयज़ के साथ ये नहीं है, और गर्ल्स हमेशा इसमें सेफ महसूस करती है। और यहाँ RSP में भी हमको बहुत ये मिला है जी। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सब टीचरों का बहुत आपके हेल्प रही है, तो फिर भी हम एक नाम जानना चाहेंगे जो आपके फेवरेट टीचर है, जो आप यहाँ से जाने के बाद आगे भूल नहीं पाएंगे उनको। ऐसा तो नहीं है, मेरे सब फेवरेट टीचर ही है, और सब टीचर्स अच्छे ही है यहाँ पे जी। तो कोई फेवरेट टीचर का नाम नहीं बताएंगे आप? सब तो सभी फेवरेट हैं। चलो माशाल्लाह। आपका नाम? जी, मेरा नाम महक साहिबलर सैयद है। मैं एमए पांगल की तुलबा हूँ, और मुझे SSC बोर्ड एग्जामिनेशन में 83.40 मार्क्स मैंने पास किया है। और यहाँ की स्कूल बहुत अच्छी है, हालांकि बॉयज़ की भी है, गर्ल्स की भी है, लेकिन बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग, ऐसा कोई कंपेयर किया जाता नहीं। और यहाँ पर हर चीज़ की लड़कियों के लिए फैसिलिटीज़ है, RSP, NCC एंड सब एवरीथिंग। और यहाँ पे लड़कियों को कम, बॉयज़ को ज़्यादा महसूस नहीं किया जाता, सबको बराबर किया जाता है। और लड़कियों की यहाँ पे हौसला अफजाई ज़्यादा की जाती है, और यहाँ के टीचर, सर, प्रिंसिपल, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, सब बहुत बहुत ही मेहनत लगाते हैं, मतलब टीचर
टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जी जी, मुझे जी आपको मैं थोड़ा सा रुका रहा हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी पापा और यहाँ की जो टीचर्स है, जो उन्होंने आप पे जो उम्मीद रखी थी, उस उम्मीद पे आप खड़े उतरे हैं? हाँ बिल्कुल उतरे हैं। अभी इंशाल्लाह इससे आगे इसी स्कूल से हम पढ़ कर इससे ज़्यादा हम इसी स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजलना इब्राहिम पठान है और मुझे SSC बोर्ड में 86% मिले हैं माशाल्लाह। और हमें यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा सिखाया जाता है और यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ है और डिजिटल क्लासेस है, RSP है, RSP में मैं गाइड रही हूँ। और हम तो सबसे पहली बात तो आप लोग सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर आपके पेरेंट्स के ज़रिए यहाँ पर आपको पढ़ने का एक मौका मिला है। उसके बाद फिर आपके जो टीचर्स है, जो आप टीचर्स की ज़रिए निगरानी में आपने जो पढ़ा है, जो आप लोगों ने टॉप किया है, ये माशाल्लाह बहुत इस स्कूल के लिए, शोलापुर के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? मेरा नाम जमा पैगम्बर शेख है और मेरे को 81% मिले हैं माशाल्लाह। यहाँ के सभी टीचर्स सर बहुत अच्छा समझाते हैं और यहाँ पर हर एक ये मनाया जाता है पंगल फेस्टिवल, हर एक ये मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा। हम चाहते हैं कि इसी स्कूल से पढ़कर आगे कुछ बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का, अपने सभी टीचर्स का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम, अपने कौम का नाम आप लोगों को रोशन करना ही है। हाँ। आपका नाम? मुश्रा मोहम्मद हसन बख्शी जी। मुझे 77% मार्क्स मिले, मुझे बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा को मैंने मार्क्स बोला, उनको भी बहुत खुशी हुई। मैं पंगल स्कूल में पढ़ती हूँ। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, जैसे आपका रिजल्ट आया आपको पता चला कि 87% आपको है? 77। ओके ठीक है, 77 आपको परसेंटेज है। तो आपको क्या लगे कि पहले मैं टीचर्स को बोलूँ क्या मम्मी पापा को बोलूँ? मैंने सबसे पहले पापा को बोला। वेरी गुड। आपने? मैंने भी मेरे पापा को बोला। आपने? मैंने मेरे अम्मी को बोला। आपने? सब में पहले टीचर्स को बोला क्योंकि उनकी मेहनत इसमें ज़्यादा है। आपने किसे बोला? टीचर्स, फिर अम्मी। अम्मी जी, आप सब लोगों को, मैं सब लोगों के लिए मेरा एक ही सवाल है, आप थोड़ा सा पास आ जाइए। मैं फिर जानना चाहूँगा कि आपके फेवरेट टीचर कौन है यहाँ पर? हमारे शुक्रिया।